देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दर्शकों, रोम में तीसरी ईस्वी में एक राजा था, राजा क्लॉडियस। राजा क्लॉडियस ने एक फरमान जारी किया था। उसने कहा था कि कोई भी पूरे क्षेत्र में प्यार नहीं करेगा, ना ही कोई शादी करेगा, जिसको लेकर वहां के जो लोग थे खासा परेशान हो गए। जिसके बाद एक सेंट थे, सेंट वैलेंटाइन जिनका नाम था, उन्होंने चोरी छिपे अपने यहाँ कई लोगों की शादियां कराई, कई लोगों को मिलवाया, कई लोगों को प्रेम करना सिखाया। जिसके बाद जब ये बात क्लॉडियस तक पहुंची तो राजा क्लॉडियस ने उनको बंदी बना लिया, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया। जब वो बंदी थे तब वहां के जेलर की बेटी, जो उन्हें खाना देने आया करती थी, उसके साथ उनका प्रेम शुरू हो गया। जो जानकारी राजा क्लॉडियस को भी लग गई, राजा क्लॉडियस को जब इस बात की जानकारी लगी तो राजा क्लॉडियस ने उनको फांसी के फंदे पर लटकवा दिया। फांसी के फंदे पर सेंट वैलेंटाइन तीसरी ईस्वी में लटके थे। उससे पहले उन्होंने एक लेटर भेजा था अपनी प्रेमिका को, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता था लेकिन इस जीवन में तुम्हारे साथ नहीं रह सका, इसका मुझे दुख है, तुम्हारा वैलेंटाइन, योर्स वैलेंटाइन। उसी के बाद से आज तक 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 14 फरवरी को ही उनको लटकाया गया था लेकिन वो तीसरी ईस्वी थी। आज 2022 चल रहा है, 2022 में एक बार फिर वैलेंटाइन को लटकाया गया है फांसी के फंदे पर। और इस बार किसी और ने नहीं बल्कि बजरंग दल, एक संगठन है जो कि पता नहीं क्या है, किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, किसके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, कौन उन्हें सर्टिफाई करता है, कौन उन्हें बल देता है, कौन उन्हें मोरल पुलिसिंग का लाइसेंस देता है, या फिर वो पुलिस के विभाग के कौन से सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, ये सब चीजें आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन हर बार, हर साल 14 फरवरी को ये गैंग आपको नजर आता है, जो पार्क में आए हुए कपल्स, जो कि दरअसल एक लीगल एज में होते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये उन्हें हैरेस करते हैं, उन्हें मोलेस्ट करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और हर बार करते हैं। आज एक और तस्वीर है, जो सिर्फ आगरा की मैं बात कर रहा हूं, बाकी ना जाने कहां कहां से तस्वीरें आई हैं, लेकिन आज आगरा की जो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर कल देर शाम बजरंग दल के गुंडों ने वैलेंटाइन को फांसी के फंदे पर लटका दिया बीच चौराहे पर, और बोला, धमकी देते हुए बोला कि कोई भी पूरे आगरा में अगर कोई भी किसी भी पार्क में कपल नजर आया तो उसकी खैर नहीं, हमने अपने लोगों को हर पार्क के बाहर लगा दिया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ही घंटों में जहां इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, इन गुंडों की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें कुछ और आके, क्या तस्वीरें आई हैं, इन तस्वीरों को आपको दिखाता हूं, उसके बाद सीधे मेहमानों की ओर लिए चलूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। अपनी मम्मी पापा बुला ले, जल्दी लाओ, जेल चली जाएगी। प्रतीक ताज की नगरी में एक दिन पहले सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी गई, और आज वैलेंटाइन डे पर प्यार करने वालों को ये धमकी कि ये जो सभ्यता है, ये विदेशी सभ्यता है, हिंदुस्तान के अंदर पनप रही है, जिसको पनपने नहीं दिया जाएगा। इस बार बजरंग दल की मोरल पुलिसिंग आगरा देखने को मिली, जहां बजरंग दल और हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि अगर कोई भी युगल जोड़ा पार्कों में दिखाई दिया तो उनको पकड़कर उनकी वही शादी कराई जाएगी। वो तो मालूम पड़ जाएगा पूरे आगरा के प्रेमियों को, जो घरों से आज सुबह सुबह नहा धो के निकले हैं, तैयार होके निकले हैं, मंदिरों के लिए, पार्कों के लिए, गार्डनों के लिए, ये जो फौज देख रहे हो, इससे चार गुना ज्यादा फौज प्रत्येक गार्डन के बाहर खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है, आओ सजना तुम्हारी कराए शादी। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज का दिन ही खास नहीं होना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए, जितने भी हिंदू भाई बहन हैं जो सनातन को मानते हैं, वो प्रत्येक दिन ऐसे हिंदू लड़की लड़के को टच करे, पूछे ये आपका कौन है, आप कहाँ जा रही हो, आप पार्क में क्यों बैठे हो, तभी हमारा हिंदुत्व बचेगा, तभी हमारा हिंदुस्तान बचेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आगरा के हर पार्क के बाहर राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पार्कों में पहरा दे रहे हैं। इससे एक दिन पहले इसी संगठन ने सेंट वैलेंटाइन के पुतले को फांसी पर लटकाया था। भारत एट नाइन में आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनको ये अधिकार संविधान का कौन सा पैरा या क्लॉज देता है। लोगों के अधिकारों को छीनने वाले ये लोग कौन हैं?
और अभी तक आजाद कैसे घूम रहे हैं। ये जो वैलेंटाइन डे के नाम पर रोम की सभ्यता पूरे देश के अंदर फैलाई जा रही है और इसका सीधा साधा खिलवाड़ भारतीय सभ्यता और संस्कृति से हो रहा है, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा पूरी तैयारी की गई है कि जो भी प्रेमी युगल पार्कों में और रेस्टोरेंटों में मिलेंगे उनकी वहीं पर शादी करवा दी जाएगी। लहंगा हमारे पास है, सहरा हमारे पास है और ये जो नंगनाच है या जो ये जो दूसरी चीज़ें हैं इनको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा कहीं भी मिलता है उनकी तुरंत से तुरंत शादी करवा दी जाएगी। प्रेम के रंग में नफरत फैलाने वाले इस गैंग के पीछे आखिर कौन है? सी आई डोंट नो मच अबाउट दिस यू नो रिडिकुलस गैंग ऑफ जोकर्स कॉल्ड बजरंग दल, लेकिन फिर भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे स्क्रीन पर। गुलरेज शेख साहब हैं, आप बीजेपी से हैं और राजीव जी हैं, आप हिंदू संगठन से, हिंदुवादी नेता हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूँगा राजीव जी, क्योंकि आपका वर्जन समझ लेता हूँ पहले। राजीव जी, ये क्या है? हर बार 14 फरवरी को ये तस्वीरें आती हैं कि कपल हैं, लड़का लड़की हैं, वो अगर पार्क में मिलना चाहें, रेस्टोरेंट में मिलना चाहें, कहीं भी मिलना चाहें जो पब्लिक प्लेस है, ये बजरंग दल को कौन अथॉरिटी देता है कि ये उनको रोकें, उनको हैरेस करें, उनको पकड़ें, उनके फ़ोन नंबर्स लें, उनके पेरेंट्स को फ़ोन करें, उनके साथ मारपीट करें? ये अथॉरिटी इनको मिलती कहाँ से है और ये कौन लोग हैं? राजीव जी, ये लोग इसी देश के हैं और अपने इस संस्कृति को बखूबी जीने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। पाश्चात्य दर्शन को इस भारत पर किसी भी तरीके से चढ़ने से रोकने वाले लोग हैं। इन लोगों का हम नहीं समझते हैं कि कोई भी वह व्यक्ति जो अपनी बच्ची से, अपने बच्चा से सही में प्यार करता है वो इनको बुरा समझता होगा, क्योंकि संस्कार देने का काम गार्जियन का है, परिवार का है, अभिभावक का है। प्रेम करना पाप और लगता मतलब है जिनको वो कमी रह जाती है। संस्कृति में प्रेम जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, प्रेम करना पाप है, ये आप कह रहे हैं? प्रेम प्रेम और वासना का अंतर पहले समझना पड़ेगा। इस भारत की धरती में ये तो आपका थॉट हो सकता है कि वो वासना है या प्रेम है, आप कैसे इसको दूसरों के ऊपर थोप सकते हैं? इस धरती पर गंगा स्नान होता आया है, लेकिन इस धरती पर कीचड़ स्नान होने लगेगा उसको यह कहा जाएगा कि यह मौलिक आजादी है, तो हमको नहीं लगता है कि समाज उसको स्वीकृति देगा। ठीक है, तो इसलिए रोका जाए, ताकि कानून लाइए। अगर आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ये, तो उसके लिए फाइट करिए, कानून लाइए। ये आवाज एक दिन कानून बनेगा। ये तो आवाज मजबूत किया जा रहा है कानून बनने के लिए, और कानून बनेगा। ठीक है, लव जिहाद पर भी कानून बना, उसके पहले आप लोग या वो लोग जो आज गुंडे कह रहे हैं, वो लोग गुंडे कहा करते थे, लेकिन आज लव जिहाद पर कानून बना है और आप विश्वास रखिए, आश्वस्त रहिए, इस पर भी कानून बनेगा। ठीक है, गुलरेज शेख साहब भी मेरे साथ हैं, आप पर आऊंगा, लेकिन गुलरेज साहब, ये आप इसको ठीक मानते हैं क्या? लोग कहते हैं कि आपका सपोर्ट है, आपका बैकअप है, आप इनको ताकत देते हैं, आप फ्यूलिंग करते हैं, बीजेपी का सपोर्ट है? नहीं नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम जो कुछ भी कानून में है, जो संविधान में, उसके हिसाब से चलते हैं। मैं एक बहुत ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति हूँ, लेकिन ब्रॉड माइंडेड होने का अर्थ ये नहीं होता कि हम अंधे हो जाए। ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप अपनी बहन को, या मैं आपके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं अपने ऊपर ही बात कर रहा हूँ, ये और हमारे बीच में राजीव जी बैठे, उनसे बात, उनके विषय में बात कर रहा हूँ कि क्या राजीव जी और मैं ये पसंद करेंगे कि मेरी बहन या मेरी बेटी किसी के साथ वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में जाए? नहीं पसंद करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा, ये बड़ी स्पष्ट बात है। तो हम पाखंड को छोड़े, मैं किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा, मैं नैतिकता की बात करता हूँ कि पाखंड को छोड़े थोड़ी देर के लिए। मैं एक मुसलमान हूँ, राजीव जी एक हिंदू हैं, आप क्या हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हैं हम तीनों भारत के नागरिक हैं, और पाखंडी होकर बात नहीं करें तो हम अपनी बहन बेटी को वैलेंटाइन डे के दिन किसी के साथ पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि अगर वो
जो उसके शादी करना चाहती है शादी करती है। तो मतलब आपका ये कहने का मतलब है गुलरेज साहब कि बीजेपी बैक्ड जो संगठन है वो इस तरीके से मारपीट करेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप डायरेक्ट नहीं मार रहे हैं लेकिन आप इधर उधर से? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, तो आप इनको अरेस्ट करवाइए फिर, ये मारपीट क्या अलाउड है? हैरेसमेंट अलाउड है? यदि कंप्लेंट सुनिए, कोई कंप्लेन करेगा कि किसी ने मारपीट की है तो बिल्कुल वाजिब कार्रवाई की जाएगी। मतलब गलत है, मैं क्या कह रहा हूँ, कानून हाथ में लेना सबके लिए गलत है। कंप्लेन होगी, किसी ने कानून को हाथ में लिया है तो उसको पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा मैं कि मेरी बहन बेटी किसी आपके इसी स्टेटमेंट की वजह से कई लोगों के ऊपर मुकदमे हो गए। मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो आपने स्टेटमेंट में कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आप ऐसा देख सकते हैं कि मेरी बहन हो या आपकी बहन हो या इनकी बहन हो उनकी बहन हो, आप इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस अच्छा, इतनी बात को सुन के कितने लोग मोटिवेटेड हो गए कि नहीं भाई हम भी कल से डंडा लेकर उसमें तेल लगाकर सड़क पर निकलेंगे, पार्क के बाहर जो कपल दिखेगा उसे मारेंगे पीटेंगे। लेकिन अगले ही सेंटेंस में आपने क्या कहा, आपने कहा लेकिन अगर कंप्लेंट होगी तो गिरफ्तार करेंगे। और आज देखिए ये साहब है हमारे अवतार गिल साहब, आपकी बातों से मोटिवेट हुए, आपके बैकअप से मोटिवेट हुए, सड़क के बाहर घूम रहे थे, पार्कों के बाहर पहरा लगा दिया और कई लोगों को हैरेस किया, कई लोगों का हैरेसमेंट किया और अभी शाम तक उन पर मुकदमा हो गया। अभी शाम को मेरे साथ डिबेट में बैठने वाले थे लेकिन अभी खबर आई है कि उनके घर पर पुलिस आई हुई है। मतलब गलत है, तभी तो आपकी सरकार पुलिस भेज रही है ना, गलत है। मैं बड़ी गलत है या सही है? या तो गलत होगा या सही होगा। देखिए विरोध करना किसी भी चीज का एक हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। किसी के साथ मारपीट करना किसी का अधिकार नहीं, ठीक है? मतलब कोई कपल अगर पार्क में गया है तो उसको घेर कर आप हूटिंग करिए, ये विरोध कर सकते हैं, मारपीट नहीं। क्या किसी लड़की को टच किया? और मैं तो ये बोलता हूँ, अगर मैं तो बोलता हूँ कि मैं आपसे भी पूछता हूँ, चलिए एक सेकंड के लिए आपकी बेटी, अगर कि मेरी बेटी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप अपनी बेटी को पार्क में किसी साथ बर्दाश्त करेंगे? मैं अपनी बहन को नहीं करूंगा, आप करेंगे? बिल्कुल पाखंड मत करें, खुली बात करें। नहीं नहीं देखिए एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहले डिबेट को चलाएंगे उससे पहले मैं बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। डिबेट को चल रही है इसलिए पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी पर्सनल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने जो बात बोली क्या आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? इस देश में जब आप लिबर्टी की बात करते हैं, जब इस देश में आप फ्रीडम की बात करते हैं, जब आज हिजाब के मैटर को लेकर आपके बड़े बड़े नेता लोग ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियों को पूरी आजादी होनी चाहिए, हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना है, उन्हें फ्रीडम देनी है, आप उसी के अगले सेंटेंस में अगर ये बात बोल रहे हैं कि जो भी लड़कियां अगर पार्क में, आप लड़कियों का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि लड़कियों को आजादी नहीं है कि वो पार्क में जाकर किसी के साथ बैठ सके, बात कर सके, कुछ भी कर सके, लड़कियों को आजादी नहीं है। मार्क माय सेंटेंस, आप लड़कियों को आजादी नहीं है। अब मैं इसके आगे एक चीज और बोलता हूँ, सुनिए, कि अगर मेरा बेटा भी किसी के साथ मिलेगा पार्क में, अगर वो सब कुछ सही है तो मैं बोलूंगा कि बेटा सब कुछ लीगल कर ले। तो यही सब जब करना है तो फिर आप सरकार में क्यों है? सुन लीजिए, मैं पूरी या तो मुझे बोल लेने दीजिए ना भाई साहब, क्योंकि ये मुझे 9:30 बजे निकलना भी है दूसरे डिबेट के लिए, तो मुझे बात तो कंप्लीट कर लेना मेरी। ठीक है, अगर मेरा बेटा भी मिलेगा तो मैं उसको यही समझाऊंगा, मारूंगा नहीं, उसको समझाऊंगा कि बेटा अगर तुमको ऐसा है तो मैं शादी कर देते हैं तुम्हारी, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन किसी और की बेटी को तुम घुमाओगे, उसको बदनाम करोगे, उसकी इज्जत खराब करोगे, मैं बेटे का बाप होते भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इंडिया में डेटिंग अफेयर मिलना, लड़के लड़की का साथ घूमना, लड़के लड़कियों का साथ बैठकर खाना खाना, ये सब चीजें गलत हैं, सब चीजें गलत हैं, आप ये कह रहे हैं। देखो मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक होता है फेयर और एक होता है अफेयर, प्यार फेयर है तो बहुत अच्छा है। आप कैसे डिसाइड करेंगे इसको? मुझे इतना बताइए, अगर चोरी होती है तो उसके लिए आप एक कानून लेकर आते हैं, अगर एक बहुत ज्यादा माफियागिरी हो जाती है तो आप उसके लिए एटीएस को बनाते हैं, उसके लिए भी कानून लाते हैं, आप सरकार में आप कानून लाइए, आप कानून नहीं ला सकते तो सड़क पर गुंडागर्दी को अलाउड क्यों कर रहे हैं, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मैंने बड़ी इस पर देखिए, आपने ही दो चीजें कही कि अभी जिसके ऊपर कंप्लेन हुई उस पर एफआईआर हुई। हमारी सरकार ने एफआईआर की भी करी और कार्रवाई भी करी, भड़का भी तो आप ही रहे, उसने कुछ भड़का भी तो आप ही रहे।
कोई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सड़क पर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं वही तो कह रहा हूँ। देख रहे हैं राजीव जी, इस देश राजीव जी इनकी डबल मीनिंग बातों को आप समझ रहे हैं। ये एक तरफ तो आपको फोर्स कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बैकअप दे रहे हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है अवतार गिल जी के साथ, अवतार गिल साहब के साथ यही हुआ है। उनको लगा कि पूरा बीजेपी तो उनके सपोर्ट में है, और वो लठ लेके सुबह से अपने 50-60 चेला चिंटू लेके घूम रहे हैं सड़कों पर। देखिए बीजेपी के समर्थन और बीजेपी के विरोध के लिए हमारा यह प्रयास नहीं है। हमारा प्रयास भारत का पुनातन जो पुरातन सनातन संस्कृति है, हम उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, हमारा अवेयरनेस का काम है। हाँ, इसमें अगर कोई किसी के साथ बदसलूकी करता है, अगर कोई हाथापाई करता है तो वो अनुचित है, लेकिन विरोध दर्ज कराना बिल्कुल उचित है, और हम समझते हैं। ठीक है, विरोध दर्ज कैसे हो सकता है? ठीक है राजीव जी, राजीव जी कैसे विरोध दर्ज करा सकते हैं? पार्क में अगर कोई लड़का लड़की बैठा है, रेस्टोरेंट में कोई लड़का लड़की बैठा है, तो उसके पास जाकर आप उसको खड़ा कर उसका फोन नंबर नंबर दीजिए, पेरेंट्स को कॉल कीजिए, उसको हड़काना, ये ऐसे विरोध दर्ज करा रहे हैं? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जितने भी राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, हर लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, उसी में सबका अपना, ऐसा तो नहीं है कि कानून हम लोग मानते भी है और कानून बनवाते भी है, जो कानून नहीं है उसको बनवाने का हमारा काम है। गलत लग रहा है तो कानून प्रयास, गलत लग रहा है तो चौकी थाना जानते हैं आप, चौकी थाना कोतवाली, वहां क्यों नहीं जाते? कुछ भी गलत है, मैं मान रहा हूँ आज अवेयरनेस है, आज जागरूकता है, कल यही कानून बनेगा। नहीं, आप कौन है ये बताइए, आप मुस्लिम जिहाद की बात कर रहे हैं, इसी देश के अंदर ये जो बजरंग दल है, ये बताइए राजीव जी, ये जो बजरंग दल है, ये कौन है, ये कौन है, किससे ऑथराइज्ड है, क्या सर्टिफिकेट है इनके पास, मोरल पुलिसिंग करते हैं, कौन है ये लोग? बजरंग दल इस देश के भविष्य को सुरक्षित रखने वाला स्वतंत्र संगठन है। ठीक है, तो भारत की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटता। ठीक है, भारत की अस्मिता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए अगर इतना ज्यादा है तो फिर इनको कोई सर्टिफिकेट क्यों नहीं है इनके पास कि ठीक है आप भारत की सभ्यता के लिए काम कर रहे हैं? बहुत लोग काम कर रहे हैं। आप भगत सिंह को सर्टिफिकेट नहीं दे सके, आप चंद्रशेखर आजाद को सर्टिफिकेट नहीं दे सके, राजीव जी आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? भगत सिंह से कहां कंपैरिजन कर रहे हैं आप? भगत सिंह जी कोई पार्क में लड़की लड़की को ढूंढने नहीं निकलते थे? इतना रिडिकुलस आप बयान दे रहे हैं। भगत सिंह पार्क में लड़का लड़की को ढूंढने नहीं निकलते थे, भगत सिंह एक ब्रॉडर कॉज के लिए लड़ रहे थे, भगत सिंह बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, भगत सिंह के साथ मत जोड़िए। उस समय में भी आपके तरह हाथ में कलम पकड़ के बैठे हुए पत्रकार महोदय यही कहते थे कि आप कानून नहीं मानते हैं और अंग्रेजों का विरोध करते हैं, आप आतंकवादी हैं, और आप आज हमें आतंकवादी कह रहे हैं, यह देश एक दिन समझेगा। और राजीव भ्रमर सिंह और तमाम ऐसे बचाने के लिए इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए इतना ज्यादा सोच रहे हैं, तो फिर फालतू में क्यों घूम रहे हैं आप लोग? कहीं जाकर आर्मी में जाइए, सेवा दीजिए, देश को बहुत तरीके होते हैं आगे बढ़ाने के। यही बजरंग दल कोठारी बंधु शहीद होता है, भारत के उस संस्कृति उस पुनरुत्थान के लिए कोठारी बंधु। यही बजरंग दल कभी क्रिश्चियंस को मारता है, यही बजरंग दल कभी क्रिश्चियंस को मारता है, यही बजरंग दल कभी कर्नाटका में हिजाब के अगेंस्ट जाकर सैफरन क्लोथ्स लेके उस मैटर को और ज्यादा प्रोपगेट करता है। नहीं मारता ये बजरंग दल किसी मुसलमान को, नहीं मारता ये बजरंग दल अपने देश धर्म पर हमला करने वाला, साजिश करने वाला हर उस व्यक्ति को पीटेगा, मारेगा। हम संविधान को मानते हैं, संविधान में कहां लिखा है कि आप पीट लेंगे? संविधान में कहां लिखा है मारेंगे पीटेंगे? बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, बात तो सुनिए, एक मिनट रुकिएगा। अगर इस संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उस परिधि को लांघ कर भी इस देश को बचाना होगा, इस धर्म को बचाना होगा, इस धरती को बचाना होगा, हम लोग परिधि को लांघेंगे, इसी का नाम बजरंग दल और हिंदू संगठन। ठीक है, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ गुलरेज साहब, आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक कॉमेंट जरा पूछ लेता हूँ, एक चीज आपसे पूछूंगा राजीव जी। बिल्कुल गुलरेज जी आप ही के पास आ रहा हूँ, गुलरेज जी बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ, गुलरेज जी आप ही के पास आ रहा हूँ, बिल्कुल गुलरेज जी आप ही के पास आ रहा हूँ, बिल्कुल एक मिनट में। राजीव जी, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, देश इन्हीं के हिसाब से चलता है, ना इससे ऊपर कुछ है ना कुछ भी है। ठीक है, अब ये बताइए कि कानून व्यवस्था जो है आप कह रहे हैं उसे लांघेंगे, जो कानून व्यवस्था लांघता है वो देश के खिलाफ है, राज के खिलाफ है, वो राज्य द्रोही है, वो देश द्रोही है। आप ये कह रहे हैं कि आप एंटी नेशनल, आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप एंटी नेशनल, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप एंटी नेशनल हैं। आप सुनिए, हाँ, आप सुनिए, अभी किसानों के द्वारा आंदोलन हुआ, सरकार को अपने कदम पीछे हटाना पड़ा, आप उनको आतंकवादी बोलेंगे क्या? ठीक है,
नहीं ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए आवाज बनेंगे। ठीक है गुलरेज साहब, देख रहे हैं आपका छोटा सा बैकअप कितना कैओस क्रिएट कर रहा है। नहीं आपकी वजह से राजीव जी कह रहे हैं कि अगर मुझे कानून लांघना पड़ा तो मैं लांघ जाऊंगा, मुझे किसी को मारना पड़ा तो मारूंगा। आप सरकार में हैं और आप इस चीज को प्रोपेगेट कर रहे हैं, आप इस चीज को बल दे रहे हैं, इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हम बतौर पार्टी भी एक बात कहेंगे कि हम देश के कानून को सर्वप्रथम रखते हैं और बतौर हिंदुस्तानी भी एक बात बोलेंगे कि इस देश में नारी के घर की बहन बेटी की जो लाज होती है उसके लिए महाभारत भी हुई है और रावण का वध भी हुआ है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे दूसरे चैनल पर जाना था, लेकिन हम कानून को सर्वोपरि मानते हैं, नैतिकता और कानून दोनों एक साथ चलते हैं। हमारा भी तो प्रयास कानून बनाने के लिए आवाज बन रहे हैं। ठीक है, मेरी बहन बेटी कोई के साथ पार्क में हो मैं बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो लड़कियां जो हिजाब वाला मैटर चल रहा है उसको लेकर क्लासरूम में भी हिजाब आप अलाउड कराएंगे, क्योंकि काफी लोगों का देखिए ये समस्या है। चले गए, चलिए ठीक है। राजीव जी आप मेरे साथ हैं। राजीव जी बस एक सवाल और आपसे लूंगा, वो सवाल ये रहेगा कि ये कब तक चलता रहेगा, इसका कोई अंत है? क्योंकि ऐसे तो नहीं चलता रहेगा कि आप कानून को लांघ कर काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है, बताइए। अब बहुत से ऐसे अभिभावक आज के दिन अपने बच्चियों को अपने बच्चों को बिना किसी अतिरिक्त कार्य के बाजार जाने से रोक रहे, इसका यह कारण है कि हम जागरूक करने में लोगों को सफल हो रहे हैं और जो नहीं हुए हैं हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा, या कानून के द्वारा या लोगों को जागरूक होने तक हम अपना प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, देश में प्रेम होना चाहिए कि नफरत होनी चाहिए? इस देश ने प्रेम की परिभाषा दुनिया को बताया है, आप कहते हैं प्रेम और नफरत की बात, लेकिन राधा और कृष्ण की प्रेम होनी चाहिए। वासना वो कैसे डिसाइड करेंगे आपकी राधा कृष्ण का प्रेम है या वासना का प्रेम है, कैसे डिसाइड करते हैं आप? ये तो आप राधा कृष्ण का प्रेम तो राधा कृष्ण का प्रेम तो जगत के सामने है। ठीक है, ये आप जब राजीव जी बोल रहे हैं ना तो बीच में एक विंडो चल रही है, उसमें कुछ तस्वीरें चल रही है। ये लड़के लड़की जो थे पार्क में बैठे थे, इनको पकड़ा, हैरेस किया, लड़के को मारा गया, ये लड़का लड़की जो थे इनके प्रेम सच्चा था झूठा था आप कैसे पता करेंगे? आपने इनको कैसे मारा? आप कौन लोग हैं, कौन आपको अलाउड कर? हमारी संस्कृति अरे आपको आपको किसने कहा कि आप संस्कृति को बचाने निकलिए? आपको किसने कहा कि आप संस्कृति को बचाने निकलिए? इस संस्कृति को बचाने का बोध हमें जन्म से है, हमें कर्म से है, हमारे अपने परिवारिक से है। ठीक है, आपने अपना ऐसा नहीं है कि राजीव कुमार से आगे कर रहा है दूसरे लोगों की संस्कृति को बचाने निकलिए। आपसे ये किसने कहा कि दूसरे लोगों को भी आप उनको भी संस्कार बताइए उनको भी? बिल्कुल 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 संस्कारित करना पड़ेगा। अगर हम सजग हैं तो हमारा काम प्रहरी बनना है और प्रहरी का काम कर रहे हैं। आपको ये अलाउड कौन कर रहा है, आपको ये कौन क्रिएट कर रहा है कि आप जाइए प्रहरी बनिए? आपको संस्कार है आपके पास, अच्छी बात है, आप उसको अपने तक रखिए। आप दूसरों को जाके संस्कार क्यों दे रहे हैं, दूसरों को जाकर मारपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बोलते हैं कि यह वतन हमारा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि सनातन धर्म हमारा है। वतन हर किसी का है, वतन हर किसी का है। आपको वतन उसका नहीं है जो चलिए ठीक है, जाते जाते बताता हूँ राजीव जी, वतन किसका नहीं? वतन उसका नहीं है जो इस देश के कानून को नहीं मानता, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता। आप इस देश के कानून को नहीं मानते तो ये वतन आपका नहीं है, इस बात को आप समझिए राजीव जी। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। तो यही बात आज हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो गैंग है ये हर बार हर साल एक्टिव क्यों हो जाता है, क्यों फीचर करता है ऑन वैलेंटाइंस डे, और क्या ये नफरत वाला जो वायरस है ये अब धीरे 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 इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसको हम बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करने लगे हैं, इसको बहुत ज्यादा हल्के में लेने लगे हैं, या इस वायरस पर अटैक करने का, इसका एंटीटोड बनाने का, इसको रोकने की आवश्यकता है, इसको रोकने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये इसी तरीके से बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं जाकर ये समस्या क्रिएट करेगा। तो ऐसे में आज बस यही जानना चाह रहे थे कि आगरा का जो मैटर हुआ है इसमें आपको एक छोटा सा अपडेट देते हुए चलते हैं कि इस मैटर में जो अब्दार गिल साहब नजर आ रहे थे आपको, अवतार गिल, ये अवतार गिल साहब जो सुबह तहाड़ रहे थे
कि ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे। जो लैला आएगी जी साहब जो टीवी पर दिख रहे हैं आपको, ये सरदार जी जो आपको टीवी पर दिख रहे हैं, इनकी शक्ल देखिए, ये अभी इनके ऊपर मुकदमा हो गया है और अभी चूहे की तरह दुबक गए हैं। अभी फोन मिलाया जा रहा है इनको तो फोन नहीं उठा रहे और सुबह शेर बनकर घूम रहे थे ये जो सरदार जी आपको दिख रहे हैं। और आगरा के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, ये सरदार जो दिख रहे हैं यहां पर अवतार गिल, ये सुबह शेर की तरह दहाड़ रहे थे कि कोई भी अगर पार्क में नजर आ गया तो उसके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। और इन्होंने कई कपल्स को हरेस किया, कई घरों के। और ये जो बेटी वाला जो अटैक होता है कि क्या आप अपने घर की बेटी को अलाउ करेंगे, क्या आप अपने घर की बहन को अलाउड करेंगे, ये किसी की बेटी को, ये किसी की बहन को, ये किसी के घर की लक्ष्मी को इस तरीके से पार्क में उसके साथ बदतमीजी करते हैं, इस तरीके से उससे क्या करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, हैरेस करते हैं, एवरीथिंग दे डू। ये बचाएंगे संस्कृति को, दीज ये जो लोग, ये कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट एंटी नेशनल्स। अगर इनको सच में देश को बचाने की इतनी फिक्र होती तो ये लोग देश में, जो लोग सच में देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए फाइट कर रहे हैं, हमारे जवान, उनकी तरह कुछ सोचते ना ही ये भगवा शॉल डालकर कि मैं बड़ा हिंदू हूं, मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूं, मैं तुमसे बड़ा संस्कारवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सिर्फ बेवकूफों का एक गैंग है, बेवकूफों की एक फौज है, अ क्लब ऑफ इडियट्स रोमिंग अराउंड इन सिटी, एंड दिस पर्सन कॉल्ड अवतार गिल हु वॉज यू नो सेइंग बिग बिग वर्ड्स इन द मॉर्निंग राइट नाउ इन हाइडिंग बिकॉज ही वॉज बुक्ड बाय द पुलिस। और अभी ये शख्स फरार है, अभी ये शख्स जो सुबह सुबह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अभी ये फरार है। सुबह कह रहा था कि लैला मजनू इधर नहीं आएंगे, लड़का लड़की इधर नहीं आएंगे वरना उसको सबक सिखाएंगे। अभी पुलिस इनको ढूंढ रही है और ये खुद भागा हुआ है। ये अवतार गिल इसका नाम है, आगरा में ये बजरंग दल को लीड करता है और खुद भागा हुआ है ये शख्स, और पुलिस ने इसको बुक किया है। एंड वी आर डिमांडिंग फ्रॉम भारत एट नाइन, हम उसको कॉल भी कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल भी हमारा पिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको जानकारी दी हमारे संवाददाता ने कि ये भाग चुके हैं और पुलिस से भाग रहे हैं। तो ऐसे जो इडियट्स हैं, जो जिनका ये लंपन ग्रुप ऑफ गैंग है, इनका साथ यही है। लेकिन जो बहन बेटी कहकर जो बात कहते हैं कि आपकी बहन अगर यहां हूं, आपकी बेटी यहां हूं, तो अगर मेरी बहन, अगर मेरी बेटी या आपकी बहन, आपकी बेटी इस तरीके से हैरेस की जाएंगी इन गुंडों के द्वारा, तो इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। कोई दूसरा अलग ऑप्शन नहीं है, अरेस्ट देम, बुक देम एंड बैन दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर एंटी नेशनल्स। सी यू टुमारो। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।